हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं न्यू टेक आविष्कार यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं, वो टॉपिक आप सबको पसंद आने वाला है। आप बोलेंगे ऐसा कौन सा टॉपिक है? हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है व्हाट्सएप स्टेटस क्रिएटर ऐप। ऐसा टॉपिक है मेरे पास क्योंकि स्टेटस रखना किसको अच्छा नहीं लगता, ये तो बहुत सब उसको पसंद करने वाली चीज है। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है व्हाट्सएप स्टेटस क्रिएटर ऐप। किस तरह से स्टेटस ये बनाया जाता है, वीडियो फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेट में। और स्टेटस भी बहुत सारे अलग अलग है, मोटिवेशनल अलग अलग है, उसके बाद रोमांटिक अलग है, शायरी की अलग है, पिक्चर के गाने के भी अलग अलग स्टेटस बनाए जाते हैं। आज ऐसा ही कुछ एक स्टेटस में आपके सामने आपको बनाकर दिखाने वाला हूं। तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट तक आपको ये समझ में आएगा कि स्टेटस कैसे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूं आज का टॉपिक जिसका नाम है व्हाट्सएप स्टेटस क्रिएटर ऐप। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल के अंदर काइनमास्टर का ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, ठीक है। चलिए हम जाते हैं प्ले स्टोर के ऊपर। मैंने यहाँ पे मेरा प्ले स्टोर ओपन किया है, यहाँ पे मैं काइनमास्टर डाल रहा हूँ, ये काइनमास्टर, ठीक है। मेरे मोबाइल के अंदर काइनमास्टर का सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, ये हो रहा मेरा काइनमास्टर सॉफ्टवेयर ओपन, ठीक है। ये एक लिमिटेड वर्जन प्ले स्टोर में बताया गया है, इसका वाटरमार्क इसके ऊपर आ जाता है। अगर आपको पूरा कंप्लीट जो काइनमास्टर चाहिए, आप उसे परचेज भी कर सकते हैं या फिर गूगल में जाके उसका फ्री वर्जन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पहले शुरू करता हूँ मेरा आज का जो टॉपिक है, व्हाट्सएप का स्टेटस कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनाना है, ठीक है। तो हमें जो करना है अभी, पहले यहाँ पे जो काइनमास्टर का होम पेज दिख रहा है, ये प्लस के ऊपर हमें क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग तीन साइज बताए गए हैं, 16:9, 9:16 and 1:1, ऐसा एस्पेक्ट रेशो बताए गए हैं। अभी हमारी मोबाइल के जो स्क्रीन है 9:16 है, इसलिए हमको 9:16 लेना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से अभी दिखेगा, ठीक है। अभी व्हाट्सएप का जो स्टेटस रहता है वो सिर्फ 30 सेकंड का रहता है। तो हमें यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे टूल बार बताए गए हैं, मैं पहले टूल बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहला है मीडिया, उसके बाद है ऑडियो, उसके बाद है वॉइस, उसके बाद है लेयर्स, ठीक है। यहाँ पे एक प्ले का बटन बताया है, ठीक है। यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट का बटन बताया गया है, ठीक है। अभी पहले हमको यहाँ पे एक बैकग्राउंड डालना है, ठीक है। तो मीडिया पे पहले क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता है बैकग्राउंड, ठीक है। तो एक मैं बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लैक कलर का, ठीक है। अभी से हमें 30 सेकंड तक उसे खींचना है। ठीक है, 30 सेकंड तक मैंने अभी बैकग्राउंड का बना लिया है, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर एक क्लिक दिख रहा है, उसको क्लिक करना है। अभी ये 30 सेकंड का एक बैकग्राउंड हमने बना लिया है। अभी उसके ऊपर एक हमने एनिमेशन का जो वीडियो रहता है उसके ऊपर हमको डालना है, ठीक है। तो एक एनिमेशन का जो वीडियो, यहाँ पे लेयर्स का जो बटन बताया है, लेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। लेयर में इतने सारे टैब ओपन हो जाते हैं, पहला मीडिया, दूसरा इफेक्ट, तीसरा ओवरले, तीसरा टेक्स्ट, चौथा देखिए दोस्तों, पहला जो टैब है लेयर्स के ऊपर जो बताया गया है मीडिया का, दूसरा इफेक्ट का है, तीसरा ओवरले का है, चौथा टेक्स्ट का है, पांचवा
हैंडराइटिंग का है। इस प्रकार से ये लेयर्स बताए गए हैं। तो उसमें से सिलेक्ट करना है मीडिया, ठीक है। मीडिया के ऊपर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अभी मैंने मेरे मोबाइल के अंदर कुछ एनिमेशंस जो है डाउनलोड करके रखे हैं। आपको ये एनिमेशंस गूगल यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड जो है लेने वाला हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं मेरे पास, तो मैं अब ये बैकग्राउंड्स लेने वाला हूँ, ठीक है। इस प्रकार से बैकग्राउंड आ गए, ठीक है। अभी हमें जितना लग रहा है 30 सेकंड का उतना ही लेना है, बाकी का हमें कट करना है। तो मैंने यहाँ पे मेरा पोजीशन उसको सिलेक्शन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद इधर का पोर्शन हमें कट करना है। तो यहाँ पे कैंची का सिंबल बताया गया है, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो इसे हमें कट करना है, इस प्रकार से कट हो जाएगा, ट्रिम कर दिया है हमने। अब ये कुछ स्क्रीन जो है इसके ऊपर ऐसे दिखेगी, तो हमें क्या, पहले भी यहाँ पे राइट क्लिक कर लेते हैं, ये राइट हो गया। इस प्रकार से वीडियो हमको बता रहे हैं। अब ये वीडियो की पोजीशन हमको पूरे स्क्रीन को करना है एडजस्ट, तो इसे करना है यहाँ पे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बीच में एक आइकन बताया है, ठीक है, पोजिशनिंग का, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो हम जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सके। अभी उसको मैंने पूरा मोबाइल का जो स्क्रीन है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट किया है, इसके ऊपर सिलेक्ट करके। तो इसके ओके करना है, इस प्रकार से मैंने ओके कर लिया है इसको, ठीक है। अभी ये हमें क्या करना है, इसके ऊपर कुछ इमेज डालना है, ठीक है। अभी मैं इमेज डाल रहा हूँ। वापस हमें लेयर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। अभी मेरे पास कुछ इमेजेस है, ठीक है। अभी मैं कुछ इमेजेस ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये पहले इमेजेस मैंने यहाँ पे लिए। अब ये इमेजेस को वापस हमें पूरा फुल स्क्रीन की तरह एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, पोजिशन ये जो सिंबल है उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। उसको वापस सेम ऐसा करना है, ठीक है। अभी ये पिक्चर को हमें थोड़ा सा इफेक्ट आना चाहिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्लेंडिंग में जाना है, ठीक है। यहाँ पे ब्लेंडिंग में जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ ऑप्शन बताएं, ओवरले, मल्टीप्लाई, स्क्रीन। तो हमें करना है स्क्रीन को सिलेक्ट, ठीक है। इसको अपन कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको करना है ओके। इस प्रकार से मैंने ये इमेज सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कुछ एनिमेशन डालना है, तो इस एनिमेशन पे क्लिक करके आप एनिमेशन भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपको जैसा चाहिए वैसा एनिमेशन आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये एनिमेशन मैंने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। वापस हमें भी एक इमेज डाल दिए, मैं दूसरी इमेज यहाँ पे डालने वाला हूँ, ठीक है। वापस हमें यहाँ पे उसके स्क्रीन को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब यह स्क्रीन को मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। वापस हमें ब्लेंडिंग के ऊपर जाना है और यह स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है, उसको ओके करना है ब्लेंडिंग को। दो इमेज हो गए, अभी तीसरे इमेज में यहाँ पे डालने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे वापस मैं स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे जाने के बाद स्क्रीन करना है और ओके करना है।
ये सिर्फ 30 सेकंड का व्हाट्सएप का स्टेटस का ये वीडियो है, ठीक है। तो हमें उसके हिसाब से उतने ही इमेजेस यहाँ पे डालना है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने ये एक एक करके इमेजेस यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसको ओके करता हूँ, ठीक है। अभी इतने इमेजेस हमने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अभी मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। इस प्रकार से हमको ये वीडियो देखने को मिलने वाला है। अभी इसके अंदर और हमें बहुत सारे काम करना बाकी है। कुछ इस तरह से वो वीडियो दिख रहा है हमारा, ठीक है। अभी इसके अंदर हमें कुछ टेक्स्ट डालना है या फिर उसके बाद ऑडियो डालना है, तो मैं आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप करके बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी आप इसमें इंग्लिश टाइप कर सकते हैं, मराठी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे टाइप करके बता रहा हूँ। अगर आपका स्पीड अच्छा है आप फटाफटा टाइप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने ये लाइन यहाँ पे टाइप कर लिया। उसको अभी आप ये टेक्स्ट को मैं बड़ा ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको अभी मुझे एनिमेशन देना है, मैं सिलेक्ट करूंगा इन एनिमेशन को, ठीक है। उसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये होगा इन एनिमेशन। आउट एनिमेशन भी कर सकते हैं, अब ये मैंने एक लाइन टाइप करके आपको बताया। इस प्रकार से आप उसको पूरा टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट में वापस लेयर के ऊपर क्लिक करके टेक्स्ट पे जाइए। यहाँ पे आप आपका नाम डाल सकते हैं या कुछ लोगोस रहेगा आपका तो आप लोगोस भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डालना हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मेरा नाम डाल रहा हूँ सुनील राउत, ठीक है। अब मेरे चैनल का नाम जो है मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ। मेरे चैनल का नाम है न्यू टेक अविष्कार, ठीक है। ये चैनल का नाम है मेरा न्यू टेक अविष्कार। इस प्रकार से वो दिखने वाला है। वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं उसको। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसको मैं एनिमेशन देने वाला हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मैं एनिमेशन दे रहा हूँ। अभी आप बोलेंगे इसके अंदर मुझे ऑडियो डालना है, तो ऑडियो मैं कैसे डालूँ? तो सिंपली ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है, और आपके पास जो मोबाइल के अंदर ऑडियो डाउनलोड किए होंगे तो ये वो ऑडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी मुझे जो ऑडियो पसंद आता है मैं उसको ऑडियो ये लेता हूँ, ठीक है। ये ऑडियो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये लास्ट पोजीशन में लेना है, जो एक्स्ट्रा जो साउंड का जो बार है उसे हमें कट करके देना है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिम ऑब्लिक स्पीड का बटन है, उसको सिलेक्ट करना है और ये ट्रिम के राइट जो है उसके ऊपर क्लिक करके उसको कट कर देना है। इस प्रकार से अभी हमने पूरा
ऑडियो डाल दिया, टेक्स्ट डाल दिया, इमेजेस डाल दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर ये जो वर्ड्स है वह आप खुद बोलें, तो ये यहाँ का वॉइस और माइक का जो सिंबल दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद ये जो वर्ड्स है आपके रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी ये स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से उसको रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस प्रकार से ये आवाज रिकॉर्डिंग हो चुका है। अब ये किस प्रकार से दिखेगा आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इस प्रकार से वो देखने को मिलने वाला है। बाकी और कुछ इफेक्ट्स आप इसमें डाल सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अगर मैं पूरा इसको वीडियो बनाऊंगा तो ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं अभी इसको एक्सपोर्ट करके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऊपर का एक बटन है जिसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये आ गया यहाँ पे। ये हमारा जो है अनटाइटल फाइल उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे एक शेयर का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। ये उसके बाद एक्सपोर्ट का जो बटन है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। ये वीडियो पूरा एक्सपोर्ट होने वाला है अभी। इस प्रकार से हम हमारा व्हाट्सएप का जो स्टेटस है किस प्रकार से बनाते हैं हमने काइन मास्टर में, वो पूरा भी यहाँ पे दिख लिया है। अभी सिर्फ हमें यह समझना है कि वीडियो का स्टेटस अभी काइन मास्टर से हम एक्सपोर्ट करने के बाद किस तरह से दिखता है। अभी ये वीडियो हमारा 30 सेकंड का जो व्हाट्सएप स्टेटस है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे, बहुत अच्छा ये काइन मास्टर का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप अलग अलग व्हाट्सएप के स्टेटस बना सकते हैं, मोटिवेशनल बना सकते हैं, शायरी के बना सकते हैं, रोमांटिक बना सकते हैं, या फिर आपका खुद का फोटो का एल्बम भी बना सकते हैं, अच्छे अच्छे म्यूजिक बना डाल के बना सकते हैं, या फिर बर्थडे का, वेडिंग का, उसके बाद कुछ आपके प्रोग्राम्स का, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसका कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं, तो ये काइन मास्टर इज अ परफेक्ट सॉफ्टवेयर, ये परफेक्ट ऐप है जिसके अंदर आप बहुत अच्छी तरह से वीडियो बना सकते हैं, फेसबुक में या व्हाट्सएप में या अलग अलग जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, वो वहाँ पे जाके आप शेयर कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस, एनिमेशन दिए हैं, टेक्स्ट का दिया है, वीडियो का दिया है, ऑडियो का भी दिया है, उसका आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसका आपको फुल वर्जन चाहिए आप इसे बाय भी कर सकते हैं, या फिर गूगल में जाके उसका फ्री वर्जन ले सकते हैं। इस प्रकार से अभी हमने हमारा वीडियो एक्सपोर्ट कर लिया, यहाँ पे दिख रहा है। अब ये प्ले के ऊपर मैंने क्लिक किया है, इसमें मैं प्ले करके आपको बताने वाला हूँ कि ये मेरा वीडियो कैसे दिखता है। इस प्रकार से वो वीडियो दिख रहा है। ठीक है, अभी मैंने इसका एक वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो मैंने वीडियो बना के रखा है वो वीडियो आपको बताने वाला हूँ। मैं जाऊंगा यहाँ पे EMI वीडियो पे। ठीक है, अब यह वीडियो मैंने पहले बना के रखा है। एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन से जागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस प्रकार से हमने हमारा व्हाट्सएप का स्टेटस बना लिया है, ठीक है। आप भी इस प्रकार से स्टेटस बना सकते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक बार आप लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और बेल का आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है आपको। और ये कुछ प्रॉब्लम्स अगर आता है तो कमेंट्स में मुझे लिखिए ताकि मैं आपको सही आंसर दे पाऊँ। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे मेरा ये टॉपिक ख़त्म कर देता हूँ।